पीड़िता का आरोप लूट के मामले में मुंडा पांडे पुलिस ने अन्य आरोपियों के खिलाफ नहीं की कोई कार्यवाही। पीड़िता न्याय की गुहार लगाने पहुंची एसएसपी कार्यालय। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर की रहने वाली महिला दिलबरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि बीते कुछ समय पूर्व उसके घर में सीढ़ी लगाकर हथियार से लैस होकर लूट करने के इरादे से मुकीम, फुरखान, जाहिद, जावेद, वसीम और नईम आदि लोग घुस गए और जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसका पति बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित महिला ने शिकायती पत्र में ये भी कहा है कि उसने थाने में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने मनमाने तरीके से कार्यवाही की। पीड़िता द्वारा शिकायती पत्र में ये भी कहा गया है कि आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं। वहीं पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, साथ ही थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता का ये भी आरोप है कि वाजिद नाम के व्यक्ति ने उससे 30,000 रुपए लिए हैं। क्या नाम आपका? दिलवरी। कहाँ की रहने वाली है? दलपतपुर। क्या मामला है? चोर घुसा आया था घर पे सीढ़ी लगा के छत पर रात के 1 बजे। उन लोगों ने आते सोते हुए आते के साथ ही रोटों से और हथियारों से मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे? 6 लोग थे। हम सिर्फ 2 ही मियाँ भी रहते हैं बंद घर में। उसने मार के सब कुछ लूट लिया, मेरा 2 फोन, 7 तोले जेवर, 45,000 रुपये नगद। ये कौन है आपके? ये मेरे शोहर हैं। क्या नाम है इनका? इनका जुनेद मियाँ। कैसे हमला कराया इनको? इन पर रोट मारी थी सर पे। फिर मारने के बाद इन्होंने बेहोश कर मार के हमें बंद कर दिया था घर में। एक मेरा छोटा सा बेटा, मैंने उन आरोपी को देख लिया था, पहचानती हुई हूँ, मैं जानती हुई हूँ। मोबाइल एक मेरा 5G फोन है, ये मेरा और एक 4G फोन है, एक 20,000 का, एक 15,000 का। मोबाइल दोनों मेरे फोन ले जा चुके हैं। तो ले जी ले गए। पैसे 45,000 रुपये जी। कौन लोग हैं वो? गांव के ही हैं। कौन लोग? नाम जानती हो? हाँ नाम जानती हूँ मैं। एक मुकीम है, एक नईम है, एक जावेद है, एक फुरकान है, एक वसीम है, एक जाहिद है। थाने गई थी आप इस मामले में? जी मैं थाने गई थी मुंडे पांडे। क्या हुआ फिर? उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज करी और उन्होंने क्या कहा, मैं एक क्यों कोई जेल भेजा है। कितने लोग थे? 5? 6 लोग थे। मुकदमे की धारा लगाई? मुकदमे की धारा कुछ नहीं लगाई है, 5 लोगों ने जमानत करा चुके हैं, वो बाहर हैं और एक ही बंद पड़ा है। अब 360 एक पे लग चुकी है और 5 बाहर हैं। अब किससे मिलना ही होगा? अब मैं एसएसबी के पास आई थी। क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और ये मेरा देखना चाहिए मुझे। और जो मैंने लगभग 8 तारीख को ये वारदात हुई थी जी। दरोगा? क्या मामला दरोगा? दरोगा का ये मामला, मैंने उनसे बोला तो उन्होंने अपनी मन मर्जी से सब कुछ लिखा, मेरी मर्जी से। जब मैं कह रही थी उनसे छत पर से आए हैं तो वो कह रहे थे छत पर से मत बताना, नीचे से बताना। और ये जी विजय पाठक, ये तो मुझे नहीं मालूम कहाँ के रहने वाले, थाना मुंडे पांडे। मैं बोल रही हूँ उनसे नीचे से आना, मुझसे मैं कह रही छत पर से आए हैं तो कह रहे हैं ये मत बताना सीढ़ी लगा कहाँ हैं। पैसे का मामला ये है, वाजिद जो है पत्रकार, उसने मुझसे 30,000 रुपये ले चुके हैं, बोले विजय पाठक को देने हैं। वाजिद कौन से टाइम है? जी पत्रकार हैं वो, वाजिद हैं। वाजिद जी, पूरा नाम मुझे नहीं मालूम उनका, मगर मैं इतना ही जानती हूँ उनके बारे में जी। क्या पुलिस से क्या है? पुलिस से ये मामला है, बोले मतलब विजय पाठक ने 30,000 रुपये मतलब देने हैं उसको, और क्या कहें ये धाराएं लगेंगी, ये होगा वो होगा, इस तरीके से मुझसे पैसे ले लिए। बोले मुझसे, मैं खुद लूट चुकी हूँ, मुझसे और लूटा गया है मुझे। वाजिद ने लिए थे जी। कब लिए थे ये? जब मैं सिविल लाइन अस्पताल में थी। कितने दिन हो गए? बोले तुम्हें इलाज कराना है, लगभग हो गए होंगे 10 दिन पहले। ये नहीं मुझे मतलब, ये पत्रकार ही हैं वो जी। ना उसका मेरे पास फोटो नहीं है। ये दलपत में आते जाते रहते हैं जी, ना आते जाते रहते हैं, ये नहीं मालूम मुझे कहाँ के रहने वाले हैं। वैसे चेहरे से जानती हूँ मैंने, नाम से भी जानती हूँ, ये मुझे इतना नहीं पता कहाँ के हैं वो। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जसवंत टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।